क्या नाम है आपका? अनीता विश्वकर्मा। क्या हुआ है आपके साथ, क्यों आए हैं आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय? मेरे रूम में किराए में रहते हैं मुकेश यादव नाम है उनका। हाँ। बच्चे का आपसी विवाद था। हाँ। बच्चों के बीच में जंग बहादुर ठाकुर मुकेश यादव को धमकी दिया। अच्छा। कि तुझे भी मारूंगा और तेरे बाप को भी मारूंगा छोटी सी बात पे, साथ में बच्चे खेलते हैं, तो बस उसकी विवाद पे चिड़ में उसने बोला कि तुझे भी मारूंगा तेरे बाप को भी मारूंगा, तू क्या कर लेता है। बच्चा रोता हुआ आया घर में, अपनी माँ को बताया, मैं भी वहीं पे थी, तो हम दोनों माँ मतलब सरिता यादव और मैं अनीता विश्वकर्मा हम दोनों साथ में गए उसको समझाने कि आप ऐसी बात क्यों बोल रहे हो, बच्चे की जो गलती है आप बच्चे को 10 थप्पड़ मार लो लेकिन आप बाप पे जाने वाले कौन होते। उस पर जंग बहादुर बोला कि मैं बोला हूँ और मैं ऐसा करूँगा भी, तू क्या उखाड़ ले। इस बीच उसका बेटा आया अजय ठाकुर और बोला कि तू कौन होती है बीच में बोलने वाला, मुझे बोला। मैं बोली भैया आपके पापा गलत बात बोल रहे हैं, आप उनको मना करो, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो नहीं बोल भी दिया तो तू क्या उखाड़ लेगी। तो अजय ठाकुर बोला तू शांत रह, अगर तू ज़्यादा बोले तो मैं तुझे थप्पड़ मारूंगा। इस बात तो मैं बोली कि आप ऐसी बात बोलने वाले आप कौन होते हो, आप क्यों मेरे को ऐसी बात बोले। तो अबे थप्पड़ मारूंगा बोला हूँ अभी जा, ठीक है तू समझती क्या है। तो मैं खुश, बहुत बुरा लगा। मैं बोली इतनी मजाल किसी की, कोई मुझे थप्पड़ भी मार देगा और कोई इस तरह की गंदी बात मेरी इज्जत पे बोल देगा। अचानक से उसका पापा है मेरा बाल पकड़ के उसको पटक दिया। दोनों बाप बेटे पे बच्चे के बहुत गंदे तरीके से मारे हैं, बैड टच भी मेरे को हुआ है। बहुत सारी महिलाएं भी थी, कुछ मारी हैं, कुछ छुड़ाने में लगी, कि कुछ होश नहीं है मेरे को। मेरे मम्मी पापा भी छुड़ाने हैं, मेरे पापा को भी, मुझे छुड़ के मेरे पापा को भी मारा है उसने। पापा को पैर में रेशा टूट गया है, उनके घुटने में चोट आई है, चल फिर नहीं पा रहे हैं। थाने में भी गए थे, रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट तो लिखी नहीं गई, बयान बस हमारा लिखा गया है। बहुत सारी बातें उसमें लिखी नहीं गई मेरी, कि मेरे साथ बैड टच हुआ है, मेरे को इतनी गंदी गाली थी। थाने वाले ने बोला कि तुझे नंगा करके मारूंगा, ये नॉर्मल बात है, झगड़े में सब होता है। अगर उन्होंने मेरे को छाती पे टच किया नॉर्मल, क्योंकि इसका कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं होता और इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो ये बात बिना मतलब की बात है। थाने वाले ने मेरे को समझाइश दी, वहाँ की एक महिला पुलिसकर्मी बोलती है उनको थाने में आने की तमीज नहीं है, थोड़े अच्छे कपड़े पहन के आते कम से कम। तो क्या होता है किसी के पास कुछ बुरा होगा तो आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, तैयार होके जाओगे, किसको दिखाने जाओगे। मैं अपना दुख बताने गई हूँ वहाँ पे और इस तरह से मेरे पास हुआ है। मेडिकल रिपोर्ट भी मेरी अच्छे से नहीं की गई, मेडिकल भी चेकअप उन्होंने, मेडिकल वाले डॉक्टर ने बोला कि ठीक ठाक है, तुझे ज़्यादा उंगली में चोट आई है, बाकी तो ठीक है, नॉर्मल केस बना के भेज दिया, ज़्यादा सुनवाई नहीं होती। अजय ठाकुर ने मेरे पापा को मम्मा को सबको जान से मारने की धमकी दी है, तुझे उठा ले जाऊँगा, गंदा गंदा बात बोला है। उसका बहुत बड़ा सपोर्ट भी है सर, हमारी सुनवाई नहीं हो रही इसलिए सर के पास। मैडम बताएंगे एसपी साहब से मिलने के बाद आपको कैसा लगा, क्या रिस्पॉन्स था? अपनी पूरी बातें बताई है जो जो मेरे साथ हुआ है, जैसा हुआ है, पूरा विश्वास है कि सर इस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे और वो लोग अंदर होंगे। आश्वासन दिए हैं आप? आश्वासन दिए। महिला सेल की अधिकारी को भी तत्काल फोन करके बुलाया गया है, FIR दर्ज करने का निर्देश आपके सामने दिए गए हैं? यस सर, दिया गया है, पूरी कार्रवाई होगी। दोस्तों अगर हमारा चैनल, हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्पीड न्यूज़ एक ऐसा मंच है जो अन्याय एवं शोषण के खिलाफ जनता की आवाज़ शासन प्रशासन तक पहुंचाता है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का प्रयास करता है। इसी के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, प्लीज़।